ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। तो माया का आने का रास्ता कौन सा है? पतित जगत से नाता। तो बाबा कहते हैं, जब तुम मेरे बन जाते हो तो तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है, तुम्हारा संसार ही बदल जाता है। अलौकिक जन्म, अलौकिक माता पिता, अलौकिक परिवार, अलौकिक संसार। अगर अलौकिक संसार के सुखों को न ले, हम पतित संसार से ही नाता जोड़ के रखते हैं तो अलौकिक का आनंद नहीं ले सकते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, अलौकिक में रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे, शिव बाबा की याद भी आएगी और माया से तुम हारोगे नहीं। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है? बाबा ने कहा, ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, ये तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना, कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। बाबा हम बच्चों को ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हें विकर्म नहीं करने हैं, कर्मेंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए, और अगर आप कोई विकर्म कर लेते हैं तो उसका तो बोझा चढ़ता है, बोझा चढ़ता है और अधिक विकर्म करने के लिए आपको शक्ति मिल जाती है। कर्मातीत तो हुए नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं हमको लेना चाहिए कि जब तक हम कर्मातीत बनेंगे तब तक विकर्म होते रहेंगे। हमें जिस दिन से परिचय मिला, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हुआ, उस दिन से हमें ये काम नहीं करना है। ये बात बाबा हम बच्चों को बताते हैं। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है, हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर। देखिए, शिव बाबा तो वर्षा हम बच्चों को देने के लिए ही आए हैं, अब कितना हम लेते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। स्वाभाविक है, कोई भी पिता उस बच्चे को वर्षा देगा जो बच्चा कायदे अनुसार आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होगा। यदि वो फरमान बरदार नहीं, आज्ञाकारी नहीं, तो उसे वर्षा क्यों देगा? अगर बच्चा ठीक चरित्र का नहीं तो उसे वर्षा क्यों देगा? बर्बाद करेगा। तो बाबा हम बच्चों को ये बात कहते हैं कि बच्चे तुम्हें भी अच्छा बनना है, वर्षा तभी मिलेगा जब तुम बाप के अच्छी, बाप की दी हुई श्रीमत का पालन करते रहोगे, निश्चय रखोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, पढ़ाई अच्छी पढ़ोगे,
लायक बनोगे तब तो वर्षा मिलेगा। माया का सामना जरूर करेंगे इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में आती है, रुस्तम से के सामने अच्छा जोर मारती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बाबा कहते हैं कि कोई भी पढ़ाई होती है तो पढ़ाई में परीक्षा तो होती है ना। आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको उसका टेस्ट तो देना पड़ता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ तुमको विजयी बनाने के लिए, तो माया तुम्हारी अपोनेंट है, तो माया तो जरूर तुम पर वार करेगी। तुम ये सोचो कि मैं पढ़ रहा हूँ बाबा का बना हूँ तो माया नहीं आनी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी जबरदस्त माया आएगी, और माया जो है वह हमारी दासी बन जाए। बाबा हमको वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ने आज कहा कि, बाबा भी कहते हैं कि त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। ये भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं दीदार हो जाए। तो तुम तो मेरे गॉडली स्टूडेंट हो, तुमको भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए, अपना अपने लिए स्पेशल टाइम निकालना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि नंबर वन है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा, सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा ये रहा है हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है, और सब है जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। बाबा ने कहा कि और सब है जंगल में ले जाने वाले और तुम जंगल से निकाल बगीचे में, ये बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बाकी जो सब कुछ है वो मनुष्य कृत है, तो मनुष्य के पास व्यक्ति को स्वर्ग ले जाने का, परमधाम ले जाने का कोई ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान जो भी देंगे वो इस दुनिया का ही देंगे और इस दुनिया में रहने का ही देंगे। केवल बाबा ही हम बच्चों को इस दुनिया से पार ले जाने का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो खुद पार है। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो, हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। इस प्रकार बाबा ने हमें शिक्षाएं दी थी। देखिए बाबा हमको जो करेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, एक सिद्धांत लॉ है इस दुनिया का। लेकिन जब प्यारे बाबा हम बच्चों को मिलते हैं और हमारी कमाई को बढ़ाने का हमको ज्ञान देते हैं, तो बाबा ने हमको युक्ति बताई है। कर्म करते भगवान को याद किया तो करना ही है, साथ साथ
बाबा कहते तुम्हारे कर्म ऐसे हो, जीवन ऐसा, तुमको देख के औरों को भगवान की याद आ जाए, उससे कमाई ज्यादा होगी ना। ऐसे दूसरी बात बाबा कहते हैं, एक ही वक्त पर मन, वाणी और कर्म तीनों से सेवा करो। हम लोग पहले मन से करने का प्लान बनाते हैं, फिर वाणी से करने का बनाते हैं, फिर कर्म, नहीं, मन, वाणी, कर्म तीनों से इकट्ठे करो तो ज्यादा कमाई होगी ना। तो बाबा हमको ऐसी युक्तियां बताते हैं जो कि अगर हम अप्लाई करें तो जिसको कहते हैं ना कि फास्ट गति से जाना, वो हो सकता है। आज का वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सकें, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि अब आत्माएं जो आ रही हैं उनमें अपनी रीति से चलने की शक्ति नहीं है, उनको आपकी मदद चाहिए। जैसे आप किसी को गिफ्ट के रूप से कोई चीज देते हैं, इससे ये लगता है कि हमको अपने अंदर कितना पावरफुल स्टॉक रखना है। हम बोले और वो हो जाए, वरदान तो वो है ना। लोग ये चाहते हैं, बस हमें वरदान दे दो। इसके लिए हमको कितना गहरा पुरुषार्थ, कितना अटेंशन, कितना स्टॉक जमा करना है, अपनी मनसा कितनी पावरफुल हो। आज का स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। ये तो बढ़िया सीट है ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के देखना है। वो देखते रहो, बस हर एक को देखते रहो, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपको परेशानी सहन करनी पड़ेगी। चुप करके उस सीट पे बैठ के सब कुछ देखो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।